किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। शिकंजी बन गई पहरेदारों की। रुके भैया जी, भैया जी मोती झील के पास ले चलो। हैं मार पैरों में थोड़ी देर पहले एकदम सुपर फास्ट ट्रेन जैसी भुर्ती आ गई थी, जरा एक बार देखे तो सही कि हम अपनी मर्जी से कानपुर एक्सप्रेस बन सकते भी है कि नहीं। आप भैया जरूरत नहीं, जाइए। हम तो भाग ही ना पा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? कभी अचानक हमारे अंदर ताकत आ जाती है और कभी अचानक चली भी जाती है। हाँ हेलो भाभी जी, बताइए क्या काम था? अरे हैप्पी भैया, काहे इतना हाफ रहे हो? कहीं फिर से किसी पहलवान से कुश्ती लड़ने तो नहीं फिर गए ना? अरे अरे नहीं भाभी जी, कोई कुश्ती उस्ती नहीं की है। वो कहा है ना, वो आंटी का पर्स लौटाना था तो बस वो बस के पीछे भाग रहे थे, इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। ठीक है ठीक है, आप बताइए काहे फोन किए थे? हैं अरे हम फोन इसलिए किए ताकि आप वापसी में एक गैस सिलेंडर लेके आना, वरना आज सबको कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अरे अरे काहे, हमारे होते हुए सबको कच्ची रोटी काहे खानी पड़ेगी? अरे आपकी रोटियों से हम एकदम बलवान हो जाते हैं। हम लेकर आएंगे हैं? हाँ शर्त लगा लो पुकी, चाचू आज घर नहीं आने वाले। गैस की लाइन में खड़े होकर, वो मुंबई वाली शादी है ना, उसके लिए आइडिया सोच रहे होंगे। अरे हल्के में ले रहे हैं आप लोग हमें, हम बात कर सिलेंडर लेने जाएंगे और सीधा घर पर आएंगे और बम्बई का आइडिया बम्बई जाकर ही सोचेंगे। हैप्पी भैया आप एक काम करो, अब ज्यादा भाग कर अपना दम ना फुलाओ, आप रिक्शा पकड़ कर जल्दी सिलेंडर लेकर घर वापस आ जाओ। हाँ ठीक है भाभी जी, ऑटो में आएंगे हैं, रखते हैं। अरे ऑटो वाला भाई कोई है? अरे चंदू भैया आप, अरे चलिए चलिए घर ले चलिए। हाँ तो पता मेरे हमशक्ल कैसे मरेगा तू? माँ वहीं काल, आपने अपने शक्ति का नमूना पहरेदार को तो दिखा दिया, अब अपने हमशक्ल को पूरी कथा भी सुना दीजिए। महामहिम, इसकी तो सिर्फ शक्ल ही मिलती आपसे, गुण तो बिल्कुल मिलते ही नहीं, लेकिन आपका हमशक्ल खतरा देखकर भाग रहा है। महामहिम क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा ना मौका मौका, मेरी बातें तेरे समझ में नहीं आएगी। ओ महामहिम, कहीं आप मुझे फिर से जाओ।
और उसे पकड़ कर ले आओ। महामहिम भगवान से भी ज्यादा अजीब है नीना आपकी। चाहता हूँ तलवार तो हटाइए। चाहता हूँ पैर रोक। बालभरी, हमें तुरंत यूनिवर्स नंबर वन में जाना होगा क्योंकि काल वही बर गया। चलो रुको विवान, काल को खत्म करने के लिए तुम्हें बाल परी की मदद के अलावा एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसी वस्तु जिसमें श्वेत और स्वर्ण शौर्य की शक्तियां मिली हुई होंगी। सातों ब्रह्मांड में से सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक। लेकिन ध्यान रखना विवान, इस अखंड धनुष का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इस धनुष को चलाने की एक और शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें यह धनुष उसी पल चलाना होगा जब इसके तीर की नोक पर यह ध्रुव तारा चमकेगा। ध्रुवतारा हर ब्रह्मांड में भटके हुए को रास्ता दिखाता है और वही इस अखंड धनुष को भी काल की दिशा में भेजेगा। ठीक है शौर्य, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बस 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 रे बस, रुक जाइए गुड्डू भैया। धन्यवाद धन्यवाद है। अरे अरे किशनलाल जी, चल के कहाँ इतनी मेहनत करके जाएंगे? अब ऑटो में जाइए, ऑटो में। पैसा हम दे देंगे। आइए आराम से नीचे रख दीजिए। अब्बा हाँ गुड्डू भैया, इनको घर छोड़ दियो हैं। अरे ये लो भैया आपका सिलेंडर। अरे बबलू भैया आप, अरे डिम्पल भाभी फोन किए थे हमें। हाँ बाल परी को शौर्य ने द्राक लोक में बुला लिया है जिसके कारण हम शक्ति खोज यंत्र को अब ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना यंत्र के हम देबू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर का चेहरा और उस हमशक्ल का चेहरा तो एक ही है, तो क्यों ना हम उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढे। ठीक कह रही भाई परी। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना लालू, उसका शादी हो जाएगा एक साल में। हम ही सब फिक्स करवाए हैं, तो आप भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी, कह रहे हैं हम। ठीक है जब भी मन बनाएंगे आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, देखते हैं आपका मन कब मानता है। चलिए मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के। अरे कितना जोर लगवाओगे? अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, आप गाड़ी खींचने वाली मशीन को बुला लो, अब हम जा रहे। चलो भाई लोग, चलो चलो भाई। अरे अरे एक पर बात तो सुन। अरे भाई बात तो सुनो। अरे बात तो सुनिए जरा। हाँ जय हुई ना पा। ट्रक को धक्का मारने के दिल में बड़ी चुलबुलाहट हो रही है। देखे तो सही हमारे अंदर सच में ताकत है भी कि नहीं। एक काम करते हैं, कदमों को फैसला करने देते हैं। धक्का मारे ना मारे, धक्का मारे ना मारे। अरे पैर तो ना बोल रहे हैं,
समय व्यर्थ करता है, चलो। अरे नहीं है हैप्पी, आज तक हम अपनी दिल की बात माने तो आज पैरों की बात कहे मानेंगे हैं? चुप बैठा, हम तो इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे। अरे वाह, हमने तो पूरा ट्रक हिला दिया। आ गया जय बजरंगबली। मेरा ट्रक गड्ढे से बाहर कैसे आ गया? हम लाए हैं हैप्पी पांडे। क्या मजाक कर रहे हो यार, थोड़ी देर पहले 10 से 12 लोग ट्रक को धक्का देकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रक हिली भी नहीं, और तुम बोल रहे हो कि तुमने अकेले ने ट्रक को धक्का मार के ट्रक बाहर निकाल दिया। अरे भाई हंस कर रहे हो, हम अभी करके दिखाते हैं। दिखाइए। अरे क्या हुआ पहलवान, बोलती बंद हो गई? क्या भगवान जी, अब इसके सामने हमारी इज्जत का तेल निकाल ली, कभी ताकत आ जाती है कभी चली जाती है, अब जाते कहाँ है आप? हैप्पी हैप्पी चलो हैप्पी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। महामहिम जल्दी आइए। अरे महामहिम सोच क्या रहे हो आप, अभी हमें और चार हमशक्लों को मारना है। बालपरी, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं विवान, वो देखो पैरों के निशान, काल यहीं कहीं होगा। चलो विवान, जल्दी से इस अखंड धनुष को चलाओ। विवान तुम ठीक हो ना? देवो भैया की दूर हूं। भागते हुए कीड़ों को मारने में काल को मजा नहीं आता, लेकिन अब मजा आएगा। विवान, खुली आंखों से धोखा मत खाओ, इनमें से कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं है। जल्दी से ये तीर चलाओ, वरना कुछ ही पल में ये ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप जाएगा। जल्दी करो। आजा। Come on, partner! Come on!
और भी मजा आएगा है? क्योंकि काल के शिकारी को बचाने के लिए कोई अनाड़ी शिकारी भी यहाँ आ चुका है। अरे माँ भाभी लेके आ गए हम गैस का सिलेंडर। चाचू मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचू प्लीज नीचे उतारो। आ गए हैप्पी भैया, गैस तो ले आए। याद है ना हमरा कैश देना बाकी? भूले तो नहीं? हमरा 1,20,000 रुपया तुम्हारे ऊपर है बकाया, समझे? अरे 10,000 तो लौटा दिए थे, बाकी बचे 1,10,000, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ए हमको बका इतना समझाओ, समझे? हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि जितना दिए उतना ही वापस लेंगे। जो 10,000 रुपये थे ना वो थे ब्याज के, और बाकी के 1,20,000 रुपये थे मूलधन, समझे? अरे अरे अब चौधरी के बेटे हो तो का कुछ भी अनाप से ना बक दोगे? जमाल गोटा से कुल्ला कर कर आए थे का? फिर हाँ भैया, 2 दिन में 10,000 का ब्याज कैसे हो गया? तुम दोनों डकैती शुरू कर दो। ए, 2 दिन में 10,000 का ब्याज लगेगा क्योंकि तुमने लिया है जीएनए से उधार, समझे? और बुढ़िया तू तो सुन मेरी बात। ठेठे खाके ना करो। अब तुम बढ़िया सुनो, जमाल गोटे से कुल्ला करते होगी तुम्हारी ये फैमिली, हम तो गुरु सहज से कुल्ला करते हैं, समझी? और सबसे बड़े डकैत जो थे वो थे तुम्हारे पति, जो हमारे पिताजी से उधार लिए और पैसा डकार गए और बिना चुकाए गोवंट गॉन हो गए। जोली भैया सुनो, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी कैसे आदमी थे, साधारण शरीफ संत आदमी। हाँ। कह दी उधार माफ, इसका मतलब ये नहीं है कि उधार माफ हो जाएगा, क्योंकि तो गुरु हम है एकदम ट्रांसफार्मर टाइप आदमी। हर्ज करो, अगर तुम लोग हमारा उधार नहीं चुका पाए तो जानते क्या होगा? वती गुरु नहीं, अगर तुम हमारा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारी इस फैमिली की चमड़ी उधेड़ उधेड़ के हमने जाज माओ में जूते ना सिलवाए तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं, समझी बुढ़िया? बकैती बंद कर गोल्डी। हम कह रहे हैं तुमको गोल्डी, ये जो काम कर रहा था तू। हैप्पी 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 भैया शांत हो जाइए। ये गोल्डी भैया भी अभी चुप हो जाएंगे। हम कहे चुप हो जाए, चुप पे रहो तुम लोग, समझे? बड़े आए उधार लियो तुम और चुप रहे हम। अब तो नगाड़ा बजा बजा के तुम सबको बेइज्जत करेगा गोल्डी कनपुरिया, समझे? उंगली नीचे करके बात करो गोल्डी। ए तू आवाज नीचे करके बात करो ना, एक कंटाप कान के नीचे रसीद करेंगे ना सारी 32 जमीन पे करके झरझर आएगी, समझा? अरे वाह, लगता है बजरंगबली फिर से ताकत भेजती है। जय बजरंगबली। याद कर ले अपने भगवान को कि आज तुझे उनके पास ही भेजने वाला है ये गोल्डी, समझा? अरे अभी हम हाथ मरोड़े कहाँ है, ये चिल्ला जा रहे। अरे आप सब ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हैं? महामहिम, हाथ में तलवार सामने लाचार, फिर भी करते नहीं क्यों आप वार? मजा नहीं आएगा मौका मौका। अरे 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 महामहिम, गिद्ध की तरह अपना शिकार उठाकर कहाँ जा रहे हो? कहीं अपने हमशक्ल की शक्ल देखकर आपका दिल पिघल तो नहीं गया? महामहिम, अरे महामहिम।
मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। विवान, देखो भैया, ये आपके लिए। काल, अब तुम्हारा गेम ओवर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.